मंडी लाइव अपडेट में आपका स्वागत है। सुबह से ही देख रहे हैं कि सोने और चांदी की कीमतों पर स्तरों पर दबाव है। आधे फीसदी का डेंट इसमें पड़ चुका है और आज ऊपरी स्तर पर दबाव अब सोने को ले आया 147 रुपये नीचे, यानी कि 28,696 का मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। कीमतें सिल्वर की भी अब 1.5% टूट चुकी हैं, 1.25% माफ कीजिएगा, ऊपरी स्तरों पर दबाव है। 39,600 के लेवल देखने को मिल रहा है, यानी कि 500 रुपये साफ हो चुके हैं और ये कंजेकटिव सेशन है, लगातार दो ट्रेडिंग सेशन जहां पर सिल्वर पे नेगेटिव रिटर्न्स मिलते हुए नजर आए हैं। गोल्ड कल के सत्र में टूटा, आज के सत्र में ओपनिंग शुरुआती टिक्स पॉजिटिव लेकिन उसको संभाल नहीं पाया और ऊपरी स्तरों पे फिर से दबाव बन गया। अब 147 रुपये नीचे कामकाज कर रहा है। पुल बैक जो देखने को मिला है आज वो है क्रूड पे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट से काफ़ी पॉजिटिव क्यूज ले लिए थे। क्रूड ने शुरुआती टिक्स बहुत पॉजिटिव थे, उम्मीद थी कि 3200 के बेहद नज़दीक पहुंचते हुए नजर आएंगे, लेकिन वैसे हुआ नहीं। ऊपरी स्तरों पर दबाव बन गया और 3133 यानी कि कल की क्लोजिंग के हिसाब से मात्र 6 पॉइंट्स ऊपर इस समय क्रूड कामकाज कर रहे हैं। बेस मेटल्स, सभी बेस मेटल्स लाल निशान में और सबसे ज़्यादा तो गिरावट है वो निकल और साथ ही साथ जिंक में 1% से ज़्यादा की गिरावट हो चुकी है। मेरे साथ राजीव कपूर जी ट्रस्ट लाइन से मौजूद हैं। राजीव जी शुक्रिया आपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सबसे पहले तो गोल्ड और सिल्वर, अब आज के दिन के लिए आपने टारगेट्स क्या प्रेडिक्ट किए हैं सर प्रेशियस मेटल्स पे? रजत जी गुड आफ्टरनून, मुझे लगता है सोने और चांदी में दबाव रहेगा। चांदी ऑलरेडी काफी फिसल चुकी है, थोड़ा बहुत उछाल इसमें शायद देखने को मिले, बट ओवरऑल मुझे लगता है आज चांदी का दिन खराब ही रहने वाला है। नीचे में मैं समझता हूँ चांदी 239,000 तक भी आ सकती है, जिस तरह से हम सिंस मॉर्निंग इसमें प्रेशर देख रहे हैं। और दूसरी ओर सोने में मुझे लगता है कि सेलिंग की जा सकती है अराउंड 29,000-29,150 का अच्छा रेसिस्टेंस है। जब तक बाजार इसे क्रॉस नहीं करता है तब तक मैं मानूंगा कि एक बार यहाँ करेक्शन आ सकती है 28,700 तक। सर इसको करेक्शन के तौर पर देखें या फिर प्रॉफिट बुकिंग है? 5 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे कॉमेक्स पे ट्रेड हो रहा था, थोड़ी माइनर प्रॉफिट बुकिंग है या फिर अब कुछ सीरियस डैमेज देखते हैं आप प्रेशियस मेटल्स पे? देखिए अब अहम रेसिस्टेंस इंडियन मार्केट में भी है 29,100 के आसपास और इंटरनेशनल मार्केट में भी $1,275 के आसपास रेसिस्टेंस है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग ही लगता है अभी। चलिए ठीक है, क्रूड पे ट्रिगर बताएं सर, और जो आज शुरुआती टिक्स पॉजिटिव आ गए थे, शुरुआती सत्र में तेजी थी, उसको अभी संभाल नहीं पा रहा है, 3100 के लेवल को होल्ड कर जाएगा या फिर ये लेवल भी अब खतरे में? देखिए रजत, एपीआई की इन्वेंट्री में ड्रॉडाउन देखने को मिला जिसके कारण सुबह बढ़त देखने को मिली क्रूड ऑयल में। ओवरऑल लगता है क्रूड ऑयल का सिनेरियो बेरिश मोड में है, वापस बाजार अपना बेरिश ट्रेंड में चल पड़ा है। मुझे लगता है आने वाले समय में 3090-3050 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, लेकिन क्या बाउंस बैक एक्सपेक्ट किया जा सकता है अगर पोजिशनली इस कॉमोडिटी को पोर्टफोलियो में रखा जाए तो, या फिर ये स्लाइड करेगी? क्यूज क्या मिल रहे हैं अभी इंटरनेशनल मार्केट को देखते हैं? अभी देखिए डाउन ट्रेंड में ही है, शॉर्ट टर्म में गिरावट ही दिखता है। पुल बैक पर सेलिंग की एडवाइज रहेगी, ना कि डिप्स पर बाइंग की। चलिए ठीक है, साथ साथ बेस मेटल्स, अभी मैं थोड़ी देर पहले डेटा चेक कर रहा था, सभी बेस मेटल्स लाल निशान में कामकाज कर रहे हैं। जो सबसे ज्यादा गिरावट है वो निकल और जिंक में बनी है आज के लिए। आप बेस मेटल्स पे क्या व्यू रखते हैं और इस बिकवाली के पीछे कारण बताएं, एक कॉमोडिटी चुने इस स्पेस से? देखिए चाइना की तरफ से जो आंकड़े हैं वो ज्यादा इंप्रेसिव नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण हम ये सेलिंग आते हुए देख रहे हैं। मुझे लगता है निकल जो है और थोड़ा और नीचे में फिसल सकता है, हालांकि काफी अच्छे सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा सा और नीचे आ सकता है। और महत्वपूर्ण काउंटर जो मुझे बिकवाली का दिखता है वो दिखता है जिंक। जिंक में मुझे लगता है बाजार 160-162 तक भी फिसल सकता है, तो जिंक ज्यादा कमजोर दिखता है सभी काउंटर्स में। तो क्या रेस्ट ऑफ द स्पेस में कॉपर पे कोई बेट लेना चाहेंगे सर? पलट सकती है क्या, निचले स्तरों से खरीदारी बन सकती है क्या? देखिए रजत जी, कॉपर का लास्ट वन वीक से 364-363 एक अहम बेस बन रहा है। जब तक इस बेस को नीचे में या तो ब्रीच करे बाजार तब सेलिंग करना चाहिए, अदरवाइज मैं पुल बैक थोड़ा सा डिप्स पर इसमें बाइंग दूंगा कॉपर में 365-364 के आसपास, और ऊपर में मैं समझता हूँ 369-70 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, यानी 364-365 के आसपास अगर आ जाए तो वहाँ खरीद लें 369 के टारगेट के लिए। 361 उस केस में एक स्टॉप लॉस रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में आता हुआ नजर आएगा। एनजी पे आपकी राय सर, आज 0.25% के आसपास के गेंस दिखाई दे रहे हैं, क्या यहाँ से कुछ तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर एक रेंज में फंसी रहेगी कॉमोडिटी? देखिए नेचुरल गैस में 215 के स्तर से हम इसमें फिसलता हुआ लेवल देख रहे हैं, बाजार थोड़ा सा पुल बैक लेता है 2-3 रुपए का, फिर एक गिरावट की तरफ चल पड़ता है। देखिए बाजार को या तो 303 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा 306 पे जाने के लिए, अदरवाइज 303 के आसपास बिकवाली करनी चाहिए। चलिए अब एग्री स्पेस का रुख करते हैं, सबसे पहले धनिया पे आपका व्यू चाहिए, क्या बेचकर चल सकते हैं इस कॉमोडिटी को? देखिए धनिया में लगातार प्रेशर देख रहे हैं दिनों से,
मुझे लगता है पुल बैक पर इसमें अभी भी सेलिंग ही करके चलना चाहिए अराउंड 4800 के आसपास, 4970 5000 तक का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। मैं समझता हूँ वापिस 4700-4750 देखने को मिल सकता है। दूसरी कॉमोडिटी है जीरा, अच्छी एक्टिविटी देखने को मिल रही है इस स्पेस में, इस कॉमोडिटी में 1% के आसपास के गेंस दिखाई दे रहे हैं एनसीडीएक्स अगस्त वायदा में, ये तेजी बढ़ सकते हैं क्या जीरा में? देखिए जीरा पूरे मसाला पैक में सबसे ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉमोडिटी है और इसमें हम ज्यादा गिरावट भी नहीं देख रहे हैं बनस्पत बाकी मसाले, तो मुझे लगता है थोड़ा पुल बैक आता है अगर 17650 वहाँ बाइंग करना चाहिए और 17800-17900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। राइट, ग्वार पे और ग्वार गम पे आपकी क्या राय है? ग्वार गम इनफैक्ट ये कॉमोडिटी आज काफी मिक्स ट्रेंड शो कर रही है, यहाँ पर क्या बिकवाली कर सकते हैं? अगर अगर बिकवाली करते हैं तो टारगेट्स कहाँ पर कहाँ तक के देखने को मिल सकते हैं सर? देखिए मुझे ग्वार सीड में लगता है कि बाजार अभी और नीचे फिसल सकता है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 3150-3200 के, बट मुझे लगता है कि बाजार वहां तक नीचे में जा सकता है, तो पुल बैक पर मतलब सेलिंग करनी चाहिए ना कि बनती हुई नजर आई। कैस्टर सीड लग कैसे रहा है, अट्रैक्टिव बिट साबित होगा क्या शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से तेजी की साइड पे? देखिए बहुत तेजी नहीं दिखती है बट बहुत ज्यादा पिटाई हो चुकी है उसके रहते हुए मुझे लगता है एक शॉर्ट कवरेज देखने को मिल जाएगी, तो 4250 पर बाइंग करना चाहिए, स्टॉप लॉस 4200 के नीचे का रखना चाहिए। मैं समझता हूँ 4350-4400 तक स्तर देखने को मिल सकते हैं अगर आज के सत्र में नहीं तो कल के सत्र। चलिए राजीव जी बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल से कॉमोडिटी मार्केट पे अपनी राय देने के लिए शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद न्यूज़ एट 4 होगा, आप देखते रहिए ज़ी बिज़नेस।